देखिए, ये महिलाओं के साथ जो मणिपुर में घटना हुआ बहुत ही शर्मसार वाली घटना है, और हम लोग को आज महिला होने के नाते बहुत ही अंदर से आक्रोशित है कि इस पर जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। दूसरे राज्य में जब आप खर खर खराता है तो आपको उसका एहसास हो जाता है। आज जो इतनी बड़ी घटना हो गई पूरे देश के लिए शर्मसार वाली बात है। आज दूसरे कंट्री में भी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो पूर्व में ही इसका हम नियंत्रण कर लेते वो लोग, तो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होता। आज जो हो रहा उस पर चिंता की बात है कि वहाँ सब मौन पड़े हुए हैं, पता नहीं किस बात के लिए सब लोग चुप हैं। और इस पर आवाज़ आप लोग को भी, मीडिया वालों से भी आग्रह करते कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए। देखिए, जो आदमी ऐसी बातें कर रहा है उसको मणिपुर की घटना पर एक न एक बार जरूर झांकना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए कि आप दूसरे पे जो आरोप मढ़ रहे हैं तो आप तो कल की घटना वो घटी है, वो तो जांच का विषय है। आज न कल जांच होगा, जैसे आपने पूर्व में देखा था कि क्या आरोप लगा था और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उसी तरह से ये जाँच का विषय है। लेकिन मणिपुर में जो इतने महीनों से घटना घट रही है और बार बार घट रही है, इस पर उनको ध्यान नहीं जाता है। आप बताइए, 10 लाख की नौकरी पर सवाल उठा रहे हैं और 2 करोड़ की जनता का जो नौकरी के बात किए थे उस पर तो बवाल होना चाहिए, तो उस पर तो कोई लोग सब लोग मौन पड़े हुए हैं।